नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का पार्ट 5, जिसमें RS सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो अगर हमें RS सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये हमें समझना है, तो उससे पहले हमें सीक्वेंस रूल जानना पड़ेगा। जो ये सीक्वेंस रूल था, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, कैन, इनगोल्ड और प्रीलॉग, तो इसीलिए इसे CIP रूल भी बोलते हैं। कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं नेमिंग करते वक्त किसी भी मॉलिक्यूल की। पहला तो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम प्रायोरिटी देंगे, उससे जो 4 ग्रुप्स अटैच हैं उन्हें जब हम प्रायोरिटी देंगे, तो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी जाएगी प्रायोरिटी। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, आयोडीन का ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, इस तरीके से। नेक्स्ट है, इफ़ 2 और मोर एटम्स अटैच्ड टू द कायरल सेंटर आर सेम, देन गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेक्स्ट एटम या फिर ग्रुप एंड सो ऑन। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो कायरल कार्बन एटम है, उससे जो 4 ग्रुप्स अटैच हैं, 3 में कार्बन अटैच है डायरेक्टली कायरल कार्बन से, 1 में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम हो गया, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो 3 कार्बन अटैच हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, तो इनमें से प्रायोरिटी किसे दें। तो इस वाले पॉइंट के हिसाब से हम, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो हम नेक्स्ट वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन आ गया कार्बन के बाद, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन की कम प्रायोरिटी हो गई, तो ये हो गया थर्ड नंबर पे। ये फोर्थ पे था हाइड्रोजन, इसे हमने थर्ड नेम कर दी, थर्ड प्रायोरिटी दे दी। फिर हम देखेंगे उसके नेक्स्ट वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया, फिर उसके नेक्स्ट वाला देखेंगे क्योंकि ये सेम हो गया, यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ पे R मतलब एल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा ये है, क्योंकि एक कार्बन भी आएगा और 2 या 3 हाइड्रोजन भी आएंगे कम से कम, तो उसके हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, सेकंड इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकंड हो जाएगी, थर्ड हो गई एल्डिहाइड की और फोर्थ हो गई हाइड्रोजन की। तो ये आप प्रायोरिटी ऑर्डर देख सकते हो। नेक्स्ट है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो बॉटम पे होना चाहिए और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो वर्टिकल लाइन पे है तो, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, जब हम 1, 2, 3 प्रायोरिटी देने के बाद रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसे रेक्टस बोलेंगे, मतलब R, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो S बोलेंगे, मतलब सिनिस्टर। नेक्स्ट है, बट इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हम उल्टा कर देंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन तो S, एंटी क्लॉकवाइज तो R। जो RS सिस्टम था उसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट ने दिया था, कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉग। R का मतलब होता है रेक्टस, ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज। S मतलब सिनिस्टर, रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, बीच में हमारे एक कायरल कार्बन एटम है। सबसे पहले क्या था कि नेमिंग करेंगे, जो कायरल कार्बन से एटम्स अटैच हैं उनकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी सबसे कम प्रायोरिटी हो गई, फोर्थ पे आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन C2H5, और यहाँ पे भी कार्बन है तो इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है तो C के बाद भी C आएगा, यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन है तो कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का
वन होता है, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा और इसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। इस तरीके से हमने प्रायोरिटी दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक हम अभी देखेंगे और ये एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सिंपल मेथड होता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें ना ही सीआईपी रूल देखना है। जैसे हमने सीआईपी रूल में देखा था कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो हमारा टॉप पे होना चाहिए और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो हमारा बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए। यहाँ पे हम बिना उस सब के भी बिल्कुल सही आंसर हम निकाल सकते हैं हमारा। हमें बस जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो फोर्थ हमारा ग्रुप है, उसकी पोजीशन देखनी है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे है, हमें बस ये देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ग्रुप है वो है वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे है, तो हमें कुछ भी आंसर में बदलने की ज़रूरत नहीं है। सीधे 1 2 3 नेमिंग कर दी हमने, इसे रोटेट कर देंगे, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, क्लॉकवाइज में हो गया, तो ये आर हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो हमारा होता हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हम आर की जगह एस कर देते, आंसर अपना उल्टा कर देते। यहाँ पे बस ये हमें ध्यान में रखना है कि फोर्थ ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, अगर वर्टिकल पे है तो हम आंसर सेम रहने देंगे रोटेशन करने के बाद, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है हमारा फोर्थ ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो हम अपना आंसर अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे बीच में है काइरल कार्बन एटम, यहाँ पे नेमिंग करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का सबसे कम हो गया तो फोर्थ प्रायोरिटी हो गई, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा तो 1 प्रायोरिटी हो गई फर्स्ट नंबर पे। फिर है कार्बन, यहाँ पे कार्बन के बाद है हाइड्रोजन, नेक्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे कार्बन के बाद है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसकी हो गई सेकंड प्रायोरिटी, इसकी हो गई थर्ड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हमने दे दी है। अब हम हाइड्रोजन की, अब हम अपना जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है या वर्टिकल में। जैसा कि आप देख सकते हैं जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो है हमारा वर्टिकल लाइन में, तो हम सीधे ही 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन कर देंगे और आंसर वही होएगा, 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन कर दी, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और क्योंकि हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो आंसर सेम रहने देंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया हमारा काइरल कार्बन, इससे जो ग्रुप्स अटैच हैं उनकी नेमिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है सबसे ज़्यादा, फिर होता है ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, सबसे कम होता है फ्लोरीन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हमारा जो आंसर आएगा हम उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रोटेशन कर देते हैं, 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन कर दी, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं एस सिनिस्टर, पर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हमें अपना आंसर रिवर्स करना पड़ेगा, एस को रिवर्स करके हम आर लिखेंगे और यही हमारा आंसर है आर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारा हो गया काइरल कार्बन एटम, नेमिंग कर देते हैं जो इससे चार ग्रुप्स अटैच हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। फिर कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन के बाद है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, तो
तो यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी हो गई, यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी हो गई। प्रायोरिटी हमने दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम देखते हैं कि जो हमारा फोर्थ ग्रुप है, जो लेसर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या वर्टिकल लाइन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन पे है, तो जो हमारा आंसर आएगा रोटेशन के बाद उसे सेम रखना है, कोई चेंज नहीं करना। रोटेशन कर देते हैं, वन से हो गया टू की तरफ, टू से हो गया थ्री की तरफ, रोटेशन हो गई एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज होता है एस, आंसर सेम रखना है, एस हो गया हमारा कॉन्फिग्रेशन। इस वाले मेथड में हमें बस अपने लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन देखनी है और हमें कुछ ध्यान में नहीं रखना। अब देख लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास दो कायरल कार्बन एटम हैं, एक तो सेकंड नंबर वाला, एक थर्ड नंबर वाला। तो इसमें हम इंडिविजुअल कॉन्फिग्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले सेकंड वाले का निकालेंगे कॉन्फिग्रेशन, इस पूरे को एक ग्रुप कंसीडर करेंगे, एक ग्रुप ये, एक ये, एक ये। फिर उसके बाद थर्ड का निकालेंगे, एक ये पूरा ग्रुप हो जाएगा, एक ओ एच एच और सी एच टू ओ एच। तो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले सेकंड कार्बन एटम का निकालेंगे जब हम, तो नेमिंग करेंगे सबसे पहले, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, एट होता है कार्बन का सिक्स, हाइड्रोजन का वन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद यहाँ कार्बन है, कार्बन के बाद देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के बाद है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से एटॉमिक नंबर, तो इसे सेकंड प्रायोरिटी और नीचे मिल जाएगी इसे थर्ड प्रायोरिटी। तो अब देख लेते हैं, रोटेशन कर देते हैं, पर उससे पहले हमें हाइड्रोजन की पोजीशन देखनी है। जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसकी पोजीशन वो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम रिवर्स करेंगे। यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन पे होता तो सेम रहने देते, हॉरिजॉन्टल पे है तो रिवर्स कर देंगे। तो वन से टू, टू से थ्री, रोटेशन करी हमने, ये आ गई एंटी क्लॉक वाइज, मतलब एस पर एस का रिवर्स करेंगे तो आर हो जाएगा, आर कॉन्फिग्रेशन हो गया। ये सेकंड कार्बन एटम है तो हम इसे बोलेंगे टू आर कॉन्फिग्रेशन। अब थर्ड वाले कार्बन एटम की भी देख लेते हैं, जो कायरल कार्बन एटम था उस मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन एटम थे, सेकंड की हमने निकाल ली टू आर आई कॉन्फिग्रेशन। अब थर्ड की देख लेते हैं, ग्रुप्स कौन कौन से अटैच हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है सबसे पहले, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे कम होता है हाइड्रोजन का कार्बन से, तो इसे फोर्थ प्रायोरिटी। यहाँ पे कार्बन के बाद है हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे सी एच टू है, मतलब एच के बाद एक और एच है, तो इसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो इसे सेकंड प्रायोरिटी हम दे देंगे। यहाँ पे जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले रोटेशन कर देते हैं, वन से टू, टू से थ्री, वन से टू, टू से थ्री, रोटेशन हो गई क्लॉकवाइज, मतलब आर पर हमें रिवर्स करना है, तो मतलब एस, एस कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि जो सेकंड नंबर का कार्बन था उसकी आर कॉन्फिग्रेशन आई और जो थर्ड नंबर का कार्बन था उसकी एस कॉन्फिग्रेशन आई, टू आर थ्री एस कॉन्फिग्रेशन इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड मेथड क्या था। वैसे जो फर्स्ट मेथड बताया वो थोड़ा इजी मेथड है, पर अगर आप एक और मेथड जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इस मेथड में हम सीआईपी रूल का पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। सीआईपी रूल में ये था कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो नीचे बेस पे होना चाहिए और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टॉप पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं इस मॉलिक्यूल की। OH में जो ऑक्सीजन अटैच है डायरेक्टली कार्बन से, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर तो फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे कार्बन के बाद है
हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, तो सेकंड प्रायोरिटी, इसे थर्ड प्रायोरिटी और इसे फोर्थ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो हो गई, अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये हमें टॉप पे लाना है और टॉप, और ये जो टॉप पे है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये हमें नीचे लाना है। तो हम अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, 180 डिग्री से जब हम रोटेट करेंगे अपने मॉलिक्यूल को तो नीचे से OH ऊपर जाएगा और ऊपर से H नीचे आएगा। जब वर्टिकल लाइन पे रोटेशन होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी रोटेशन होगी, COOH इस साइड आएगा और CH3 इस साइड आएगा। अब आगे देख लेते हैं, ये हमारा काइरल कार्बन एटम हो गया। जब हमने रोटेशन किया तो नीचे से OH ऊपर चला गया और हाइड्रोजन ऊपर से नीचे आ गया। उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी रोटेशन होगी, सेकंड ग्रुप इधर, थर्ड ग्रुप इधर। अब हम सीधे रोटेशन कर देंगे 1 से 2, 2 से 3, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एस कॉन्फिग्रेशन हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट एक और एग्जांपल आ जाता है, ये हो गया हमारा काइरल कार्बन एटम। नेमिंग कर देते हैं जो इससे मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो नेक्स्ट वाला एटम देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन की हो जाएगी। नेक्स्ट एटम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, तो थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। अब हमें क्या करना है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसे नीचे लाना है और जो हाइएस्ट प्रायोरिटी है उसे ऊपर लाना है। तो सबसे पहले फोर्थ को नीचे लाने के लिए, फोर्थ को नीचे लाना है तो हम 180 डिग्री से रोटेशन कर देंगे, फोर्थ ग्रुप नीचे आ जाएगा बेस पे और थर्ड ऊपर चला जाएगा और यहाँ भी रोटेशन हो जाएगी फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें नीचे अपने फोर्थ ग्रुप को तो एज इट इज़ रहने देना है, पर जो ऊपर के तीन ग्रुप्स हैं इनकी आपस में रोटेशन करवा देनी है, तो हमारा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो भी टॉप पे चला जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या करना है। हमने ये रोटेशन करा दी 180 डिग्री से, तो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नीचे आ गया, एल्डिहाइड ऊपर चला गया, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो नीचे है उसे एज इट इज़ रहने देना है और जो बाकी के ग्रुप्स हैं उनकी रोटेशन करा देनी है, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमें टॉप पे लाना है, तो इनके बीच में रोटेशन करा देंगे इस तरीके से। और रोटेशन के बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप OH टॉप पे चला जाएगा, बेस पे आ जाएगा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। फिर हम रोटेशन कर देंगे डायरेक्टली 1 से 2, 2 से 3, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों जो फर्स्ट मेथड था वो थोड़ा इजी मेथड था, ये जो सेकंड मेथड है तो ये भी इजी, पर इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नीचे हो, तो 180 डिग्री से रोटेशन करानी है। रोटेशन करने के बाद रोटेशन वर्टिकल लाइन पे भी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी होगी, और अगर आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो पहले से ही नीचे है, बेस पे है, तो उसे एज इट इज़ रहने देना है और जो ऊपर के तीनों ग्रुप्स हैं उनकी आपस में रोटेशन करा दें। उसी तरह अगर आपका जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टॉप पे है तो जो नीचे के ग्रुप्स हैं उनकी आपस में रोटेशन करा दें और ऊपर वाले ग्रुप को एज इट इज़ रहने दें। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो वो आप फिर से पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।